विश्वव्यापी कोरोना महामारी का असर अन्य त्योहारों की तरह इस बार ईद मिलादुन्नबी पर भी देखने को मिला, जिसके चलते यहां कोई जुलूस और बड़े आयोजन नहीं हुए। वहीं मुस्लिम समाज ने अपने अपने घर में विशेष नमाज अदा कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विदिशा जिले के सिरोंज में अनूठी पहल करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की याद में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को सेवा का पाठ पढ़ाया था। इसी को लेकर सिरोंज में मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तत्वाधान में मुस्लिम युवकों ने अपना रक्तदान कर ईद मिलादुन्नबी सेवा के रूप में मनाई। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम खान ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी पर विगत कई वर्षों से सिरोंज के पुराना बस स्टैंड मैदान पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब की पवित्र जीवनी बयान की जाती थी। लेकिन कोरोना काल में लगी बंदिशों को देखते हुए कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, बल्कि रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुस्लिम युवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। रक्तदान महादान कहा गया है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो वसीम भाई ने यहाँ पहल करी, हमें बड़ा अच्छा लगा। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे आया। और रक्तदान का इसलिए और महत्व ज़्यादा है कि अगर इसकी अगर ज़रूरत पड़ जाए, इसकी कीमत वही बता सकता है जिसको इसकी ज़रूरत है। और ये कोरोना वाला समय चल रहा है यहाँ पे, इवन दो यहाँ भोपाल हर जगह खून की कमी आ रही है। पेशेंट एक्सीडेंट हो जाए, उसे सडनली ब्लड चाहिए होता है, गर्भवती महिलाएँ हैं जिन्हें ब्लड चाहिए होता है, और अपने जो बच्चे हैं थैलेसीमिया से, जो बीमारी से जो पीड़ित बच्चे रहते हैं, उन्हें हर महीने एक और दो दो यूनिट ब्लड की आवश्यकता लगती है। और ये समय ऐसा चल रहा था कि पहले तो लोग आगे बढ़ बढ़ के आके खूनदान देते थे, लेकिन अभी ये समय ऐसा है कि लोगों को एक डर है, कहीं खून हमने दिया कहीं हम कमज़ोर ना हो जाएं, कहीं और कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए लोग खून देने से डर रहे हैं। पर जो भी खून दे रहा है उसको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, और मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग आगे बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। चूँकि इस बार पूरी इंसानियत के लिए अपन देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, उसके अंदर अलग अलग WHO की गाइडलाइन, प्रशासन की गाइडलाइन अलग अलग है, और उस गाइडलाइन के तहत हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी हमारे द्वारा ये मैसेज जाए कि यहाँ पर ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो ये कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम। उस गाइडलाइन को देखते हुए हमने उस जलसे को स्थगित करा, जो कि हमारा बरसों से कम 20 साल से वो जलसा हो रहा है, उसको हमने स्थगित करा इस साल। और वो जलसा भी हो तो रहा है, मस्जिदों के अंदर हो रहा है, जिससे बाहर नहीं हो रहा वो, ताकि भीड़ भाड़ नहीं आए। इसीलिए हमने सोचा कि एक क्यों ना एक नया काम करा जाए इंसानियत के लिए, ब्लड डोनेट कार्यक्रम। ये मुझे दिमाग में आया कि ब्लड डोनेट कार्यक्रम कर जाए, इसलिए हमने ये ब्लड डोनेट कार्यक्रम रखा, ताकि एक इंसानियत का पैगाम जाए, इंसानियत की भलाई हो और इंसानियत के लोगों के काम आ सके। आज जो हमारे मोहम्मद साहब, हमारे जो नबी थे, वो उनकी यौम पैदाइश है, तो सभी लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सारे मुस्लिम लोग। तो हम भी यही आज यहाँ कैंप लगाया था हमारे वसीम भाई डॉक्टर साहब ने, तो हम भी आज यहाँ अपना ब्लड डोनेशन देने आए हैं, ताकि हमारा खून इस देश के, इस समाज के सारे वर्गों के काम आ सके। बहरहाल भले ही मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन इसके बाद भी आम जनता अब कोरोना को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, जिसके चलते इस वर्ष विजयादशमी के बाद ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार भी सादगी पूर्वक मनाया गया। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।